विवेकानंद मानव प्रकर संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित है। कल भगवान राम का जन्मोत्सव है, रामनवमी है। इसी के उपलक्ष में आज श्री भगवान राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम में श्री रामनवमी की पूर्व संध्या में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। माननीय अतिथियों द्वारा श्री राम के चित्र पर, भगवान श्री राम के चित्र पर पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। भगवान श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पार्पण के पश्चात विद्यापीठ के संगीत शिक्षक श्री रवीश कालगांवकर सर जी द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति में एक गायन भजन प्रस्तुत किया जाएगा। तबले पर इनको संगत देंगे तबला शिक्षक श्री सोनू विश्वकर्मा जी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 शांत सुख निधान नित्य राम नाम परम शांत सुख निधान नित्य राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम
राम 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 श्री राम 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 परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम संत हृदय सदा बसत एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जन जीवन धन एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही पावन भजन पूरा जो हमारा ये ऑडिटोरियम है श्री राम की ध्वनि से गूंज उठा। आज के कार्यक्रम का विषय है भारतीय संस्कृति पर श्री रामचरित का प्रभाव। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल मैडम को माननीय अतिथियों के परिचय हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती रश्मि पटेल मैडम। आज श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान की ओर से आज का परिसंवाद, जिसका विषय है भारतीय संस्कृति पर श्री रामचरित्र का प्रभाव, इसके लिए मुझे मंच पर उपस्थित सभी विद्वत गणों का परिचय देने को कहा गया है और मैं ऐसा मानती हूँ कि हम लोग उनसे भली भांति परिचित है और उन्हें कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस परंपरा को निभाने हेतु मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज
रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के प्रमुख है रायपुर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले भी हम इनके वक्तव्य से लाभान्वित होते रहे हैं। आज के प्रथम वक्ता है पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज। वे संपादक है विवेक ज्योति पत्रिका, जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर द्वारा उपलब्ध होती है। इसके उपरांत आज हमारे द्वितीय वक्ता है सम्माननीय डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी। वे सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग शासकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर में है और जिनका विषय है साहित्य और कला के क्षेत्र में श्री रामचरित्र का प्रभाव। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके उपरांत हमारे तीसरे वक्ता है परम सम्माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर। वे हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक है और उनका आज का विषय है लोक कल्याण और राजनीति के क्षेत्र में श्री रामचरित्र का प्रभाव। वह यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, प्राध्यापकगण, शिक्षकगण व मेरे प्यारे बच्चों सभी का आज के इस श्री राम जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर आयोजित परिसंवाद में मैं सभी का बहुत हृदय से विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान व विद्यापीठ की ओर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी कड़ी में अब मैं माननीय अतिथियों के स्वागत हेतु सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमद् स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज के पुष्पगुच्छ से स्वागत हेतु मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, स्वागत के अगले चरण में श्रीमद् स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक विवेक ज्योति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के स्वागत हेतु मैं विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य श्री एच डी प्रसाद सर का को आमंत्रित करती हूँ। श्री एच डी प्रसाद सर, स्वागत की इसी कड़ी में डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग शासकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर के स्वागत हेतु मैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती रश्मि पटेल, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी के स्वागत के लिए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मी सोनेकर को आमंत्रित करती हूँ। माननीय अतिथियों के स्वागत के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वक्तव्य हेतु सर्वप्रथम श्रीमद् स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ। स्वामी जी का आज का विषय है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भगवान श्री रामचरित का प्रभाव। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, ओम
श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः रामात्रशतिकाल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे इस श्रीराम जन्मोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित सभा में विद्यमान सम्माननीय परम पूज्य स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज सम्माननीय डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी और सम्माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी डॉक्टर अश्विनी पटेल जी मेरे विद्यालय और बीएड विभाग के सभी बच्चे छात्र अध्यापक कर्मचारी वृंद और सुधी श्रोता वृंद इस पूर्व संध्या में श्रीराम के पावन चरित्र पर आयोजित यह संगोष्ठी में मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। श्रीराम चरित्र के पावन चरित्र के विभिन्न पक्षों पर मनुष्यों द्वारा चिंतन किया गया, मनन किया गया, बहुत से लिखे गए, यहाँ तक कि कई भाषाओं में श्री राम चरित्र का लेखन हुआ, जिसमें दो जो उनके महाकाव्य हैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, इससे आप पूर्व परिचित हैं। श्रीराम के विभिन्न पक्षों में एक पक्ष था जो विषय मुझे मिला, धर्म और दर्शन। तो दर्शन अपने आप में बहुत ही विवेचन की अपेक्षा रखता है, मैं केवल श्रीराम का जो धार्मिक स्वरूप है उस पर थोड़ी चर्चा करूँगा। आनंद रामायण में भगवान शिव ने श्रीराम की स्तुति की, तो उसमें सबसे जो पहला जो शर्त रखा भगवान के अवतार का, और हम लिखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, संसार सारम निगम प्रचारम धर्मावतारम हृत भूमि भारम सदा विकारम सुख सिंधु सारम श्रीरामचंद्रम सततम नमामि। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम धर्म के अवतार हैं, धर्म के दो स्वरूप होते हैं। धर्म हमारे सामने दो रूपों में आता है, एक आता है कर्तव्य के रूप में। आप भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में देखेंगे कि किस तरह से एक आदर्श राजा हैं, आदर्श
पुत्र हैं, किस प्रकार से वे अपनी प्रजा की सेवा कर रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आदर्श पति हैं, विभिन्न कर्तव्य जो उनके सामने आते हैं उसमें किस प्रकार वो पालन करते हैं, धर्म उस रूप में आता है, तो उसका भी उनके चरित्र में वर्णन मिलता है और दिखता है। और दूसरा है धर्म जहाँ अनुभूति के रूप में आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धर्म क्या है, तो धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। तो एक श्रीराम ऐसे हैं कि स्वयं धर्मज्ञ हैं, स्वयं धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के स्वरूप हैं, और धर्म का जो उद्देश्य होता है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षानुभूति, वह साक्षात ईश्वर भी श्रीराम है। यह श्रीराम की विशेषता है। तो उसमें उनका जो कर्तव्य का पक्ष है, उस कहानी से आप भली भांति परिचित हैं। सबसे पहले उनके जीवन में कर्तव्य पालन की जो समस्या आती है वह है जब उनका वनवास होता है और जब उनको वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं कि मेरे पिताजी विवश होकर के और मुझे वनवास की आज्ञा दी है, उस समय वह निर्णय लेते हैं कि नहीं, कि मैं कभी भी सत्य पथ से विचलित नहीं होऊंगा और मेरे करते मेरे पिताजी के नाम पर कभी भी यह कलंक न लगे कि उन्होंने सत्य वचन का पालन नहीं किया। वहां पर उस उच्च धर्म की अभिव्यक्ति है जो कर्तव्य के रूप में आता है, वहां वे एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसा क्यों उन्होंने किया? ऋषि लोग कहते हैं क्यों कि भगवान स्वयं सत्य स्वरूप हैं और सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, धर्म की पहली अभिव्यक्ति होती है कि वह सत्य होता है, सत्यवादी होता है, सत्यसंध होता है। तो भगवान स्वयं धर्मावतार हैं और सत्यसंध हैं, सत्य संकल्पी हैं, तो उन्होंने सत्य के पालन के लिए वहां आदर्श पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया। दूसरी बात देखिए, आदर्श प्रजा का पालन करते हैं, वो एक आदर्श राजा हैं। जब वन में जाते हैं, वनवास उनका होता है, वहां जाते हैं तो माँ ने पूछा कि अरे तुम वनवास जा रहे हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तूने कहा मैं वनवास कहाँ जा रहा हूं, मैं तो राजा हूं। और एक शब्द ने बड़ी बड़ा अच्छा तुलसीदास ने लिखा, उन्होंने कहा कि पिता दिन नमोहि कानन राजू। वो माँ को आश्वस्त करते कि माँ मैं वनवास में सजा के रूप में नहीं जा रहा हूं, मुझे कोई अभिशाप नहीं मिला है, मुझे कोई सजा नहीं मिली है, मुझे तो पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है और मेरी आवश्यकता वहां पर है। एक राजा की आवश्यकता जहां हो वहां उसको जाना चाहिए, तो मुझे पिताजी ने वह दायित्व दिया है और मैं वहां जा रहा हूं। और वे मां को आश्वस्त करते हैं एक पुत्र के रूप में, और लेकिन काम क्या करते हैं, जब वो जाते हैं जंगल में तो उनका पहले ही था कि अवतार किस लिए हुआ। तो देखिए अवतार में तुलसीदास जी ने सबसे पहला वाक्य जो लिखा कि श्रीराम के अवतार का उद्देश्य, तो कहते हैं तुलसीदास जी कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है, तो पहला वाक्य आया कि धर्म के ह्रास जो हो रहा था उस धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। धर्म की रक्षा इसलिए आवश्यक है कि धर्म ही है कि व्यक्ति को समाज को एक नई दिशा देता है,
वर्षों के अंतराल में विकृत हुए समाज को धर्म ही दिशा देता है, धर्म ही जागृत करता है, धर्म ही प्रेरणा देता है। इसीलिए धर्म के लिए लोगों ने, बहुत से लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। तो धर्म हर चीज से, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से महान है। उस धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, तो उनके अवतार का उद्देश्य प्रथम था धर्म की रक्षा। तो उन्होंने धर्म की रक्षा कैसे होगी, तो उसकी आवश्यकता उनको थी उस अरण्य में जहाँ राक्षस लोग, ऋषि मुनि जो तप किया करते थे, अपने तप से जो समाज को, अपने चिंतन से, अपने धार्मिक संस्कृति से, अपने अनुभूतियों से अवगत कराते थे, उनको प्रेरणा देते थे, उसको नष्ट कर रहे थे राक्षस समाज। तो उन राक्षसों का वध करना आवश्यक था, इसलिए भगवान जंगल में जाना स्वीकार करते हैं। तो वहाँ भी उनका उद्देश्य था कि मैं उस जंगल में जाऊँगा और उन ऋषि मुनियों को त्राण करूँगा और उन आतायों से उस धर्म की रक्षा करूँगा। तो एक आदर्श राजा का वहाँ पर वो स्थापित होते हैं, वो भी अरण्य में, उसके लिए वहाँ जाते हैं। तो यहाँ भी उनके जीवन में धर्म का जो अभिव्यक्ति है वह कर्तव्य के रूप में दिखाई पड़ती है। तीसरी बात जो बहुत सुनने में कठोर लगता है, कि पॉइंट्स बहुत से, बहुत कम बोलूँगा मैं आप लोगों के लिए। तीसरी बात जो सुनने में कठोर लगता है, भगवान श्री राम ने सीता जी का त्याग किया, ऐसा वर्णन मिलता है, दिखता है। आदर्श राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने जीवन का समस्त सुखों को भूल जाता है, और इतना ही नहीं, उनके साथ जो लोग अवतार के साथ आते हैं उनके साथ भी यह स्थिति रहती है कि वह अपने स्वामी के कार्यों में सहायता करेंगे। और सहायता कैसा होगा कि वे अपना सब कुछ, अपने जीवन का सुख दुख वैभव सब कुछ त्याग करेंगे, सब भूल जाएंगे। तो श्री राम के साथ आने वाले जो लोग थे, उनके अवतार के जो सहचर थे, वो सभी लोग उनके कार्यों में सहयोग करने के लिए आए थे। उसमें सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे, शत्रुघ्न जी थे, और इन लोगों को अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करना पड़ा। आप भरत जी की तपस्या को देख लीजिए, नंदीग्राम में राजा हैं अयोध्या के, घोषित राजा हैं अयोध्या के, लेकिन सब कुछ त्याग दिया और वहाँ एक यति के समान, एक तपस्वी के समान, एक विरागी के समान जीवन यापन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के सामने कितनी बार विरोधी चीजें सामने आईं, लगा कि नहीं भैया, भरत भैया श्री राम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन समर्पण था, भले ही कुछ उन्हें बोला हो, लेकिन जो आज्ञा दिया श्री राम ने उसका पालन उन्होंने किया। सीता जी को भगवान वनवास भेजते हैं, बहुत कठिन और कठोर निर्णय था यह, लेकिन भगवान ने आदर्श राजा के मर्यादा की रक्षा के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग किया था। उसमें वही था धर्म की रक्षा। यहां सब आप देखेंगे जो कर्तव्य के रूप में भी जो श्री राम की अभिव्यक्ति होती है धर्म के रूप में, भगवान सब जगह वहाँ खड़े उतरते हैं। ये उनकी जीवन की विशेषता है। अब हम आते हैं, धर्म जब अनुभूत के रूप में आता है तब आंतरिक अनुभूत के लिए, जीवन में ईश्वर के अनुभूत के लिए व्यक्ति को कभी कभी, कहीं कहीं, किन्हीं क्षेत्रों में कर्तव्य और अकर्तव्य के परे जाना पड़ता है। सामने जो कर्तव्य दिखता है वह कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में बाधक बनता है। तो आध्यात्मिक अनुभूति जो है वह अलग चीज है, इस सबसे परे है। तो उस कोट में जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ भी श्रम हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे प्राण हैं, सब कुछ हैं। श्रीराम के जीवन का प्रभाव विभिन्न धर्मों के ऊपर पड़ा।
चाहे वह बौद्ध धर्म रहा हो, जैन धर्म रहा हो, सिख धर्म रहा हो, सब में श्री राम विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, उनका जीवन पाया जाता है। भारत के जितने संप्रदाय हैं, चाहे निर्गुण संप्रदाय हो, चाहे सगुण संप्रदाय हो, चाहे हमारे जो कवि लोग हों, चाहे निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, ये सभी के साहित्य में आप देखेंगे कि भगवान के जीवन का प्रभाव है, उनके चरित्र का प्रभाव है। वही परमात्मा श्री रामचरितमानस में सगुण निर्गुण समस्त चीजों की व्याख्या तुलसीदास जी ने किया, सबका प्रतिपादन किया। किसी ने कहा कि अरे महाराज, आपने तो बीच में कहाँ से आप चले थे लिखने, श्री रामचरित मानस लिखने चले थे आप, श्री रामचरित के बारे में लिखने चले थे और बीच में आपने बहुत सी चीज़ें ला दिया उसमें, कौन सी राक्षसी रावण कहाँ कहाँ बहुत चीज़ें ला दी आपने उसमें, व्याख्या तो उन्हीं की ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक बात कहा उन्होंने कि यही महु आदि मध्य अवसाना रामचंद्र प्रतिपाद भगवान। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें श्री रामचंद्र भगवान है, मैंने इसी का प्रतिपादन किया है और भगवान में ही वह क्षमता होती है कि वे धर्म की सम्यक रक्षा कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि धर्म केवल बोलने से पढ़ने से रक्षा नहीं होती है, धर्म के लिए धर्म का आचरण करना पड़ता है और भगवान इसीलिए अवतरित होते हैं कि कालांतर में विभिन्न युगों में जब धर्म का विकृत रूप कह के आ जाता है, लोग भ्रमित होने लगते हैं समाज में, तो उस समाज को सही दिशा देने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और धर्म का आचरण करके अपने जीवन में दिखाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि श्री राम का सगुण चिंतन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि निर्गुण स्वरूप का वर्णन सभी लोग नहीं कर पाते, उसकी धारणा सभी लोग नहीं कर पाते, तो इसके लिए भगवान के सगुण रूप के बहुत से रूप हैं, कोई बाल रूप में लेता है, कोई उनका सौर रूप लेता है, कोई उनका जो दूसरे रूप है राजा रूप में लेता है, कोई वनवासी रूप में लेता है, बहुत से भगवान के रूप हैं और उस रूपों का जो जिसको अच्छा लगता है उसका वह धारणा चिंतन करता है। एक महात्मा थे कोकिल महाराज, ये वृंदावन में, तो वहाँ बड़ी अच्छी परंपरा थी, अलग हट के वहाँ कोई भगवान श्री राम को प्रणाम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, प्रणाम करना मना था। सभी लोग भगवान श्री राम को, सीता जी को आशीर्वाद देते थे वहाँ। तो बोले कि भाई ऐसा कैसे है, बोले नहीं नहीं ये बिल्कुल बच्चे हैं, इनको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसी भावना थी उनकी और इसी का वहाँ सभी लोग पालन करते थे। और उनका बड़ा अच्छा गीत भी गाते हैं कि सियारानी का अचल सुहाग रहे, वो भजन भी आपने सुना होगा, बहुत से लोग जानते हैं, भजन भी हुआ है, आपने सुना होगा उसको। तो जिसको जिस स्वरूप को अच्छा लगता है भगवान का, जो स्वरूप उसको अच्छा लगता है, उस स्वरूप का वह ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है और उस स्वरूप के माध्यम से उसकी साधना करके वह जीवन में भगवान की अनुभूति करता है, जो धर्म का उद्देश्य है, धर्म का सार है। भगवान श्री राम साकारवादियों के अंतस हृदय के प्रीतम होते हुए भी निराकारवादियों के भी चिंतन के वस्तु थे। वही भगवान जो निराकार है, निर्गुण है, वही भक्तों के वश होकर के धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों से समाज की रक्षा करने के लिए, सज्जनों का त्राण करने के लिए इस भूमि पर अवतार लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम के निर्गुण रूप का भी बहुत सुंदर वर्णन किया और कहा कि मन कर्म वचन व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद मन कर्म वचन अगोचर जोई दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई राम सच्चिदानंद दिनेशा
नहतहि मोह निशा लवलेशा, व्यापक अकल अनिह अज, निर्गुण नाम नरूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। उन्होंने कहा कि जो निर्गुण भगवान, निर्गुण भगवान का जो स्वरूप है वही निराकार परमात्मा आज भगवान श्री राम माँ कौशल्या के गोद में आकर खेल रहे हैं, वही उन्होंने ही अयोध्या में जन्म लिया है। तो भगवान श्री राम साकारवादियों के, निराकारवादियों के और सगुण साकार निराकार इससे भी अतीत जो चीज़ें जिसे हम नहीं समझ पाते हैं उसके भी स्वरूप हैं। ठाकुर ने कहा है कि भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं और इसके परे भी हैं जिसे हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं समझते। बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग जितना जानते हैं उतने की ही व्याख्या करते हैं। पहले एक ब्रह्मांड की बात होती थी, अभी सुनने में आता है कि नहीं नहीं एक दूसरा ब्रह्मांड भी है। अभी एक ही ब्रह्मांड नहीं समझ संभलता लोगों से, दूसरा ब्रह्मांड में है। उधर आता है कि कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान हैं, और सोचिए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम हैं, ऐसे ब्रह्मांड हैं। तो भगवान श्री राम धर्म के कर्तव्य के रूप में और प्रत्यक्ष अनुभूत के रूप में, भगवान के रूप में भी हर जगह हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। और अनादिकाल से ऋषि महर्षि मुनि साधक उनका ध्यान करके, उनकी साधना करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान श्री राम ने, आता है वर्णन उनका, कि धर्म की रक्षा आने वाली प्रजा करती रहे, आने वाले राजा करते रहें, वो सबसे विनती कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, सामान योयम धर्म सेतुर नराणाम, काले काले पालनीयो भवद्भिः। वो बोलते हैं कि भविष्य में जितने भी राजा आएंगे, जितने भूपाल आएंगे, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग धर्म की रक्षा कीजिएगा, जिस धर्म का मैंने प्रवर्तन किया है। इसकी यह भी भगवान श्री राम करके जाते हैं। इसलिए मैं अंत में एक शब्द से विराम लूँगा। इसलिए शिव जी प्रार्थना करते हैं भगवान के समस्त गुणों का अपने हृदय में अनुभव करने के बाद कि हे प्रभो, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसे भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी भगवान के उन रूप का, उन गुणों का अपने जीवन में आधान करें और मानव जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर राम ओम प्रकाश वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और भगवान श्री राम पर कुछ देर चिंतन करने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपके इतने ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए। वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली वक्ता डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। इनके वक्तव्य का विषय है साहित्य और कला के क्षेत्र में भगवान श्री रामचरित का प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमद स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज, आदरणीय श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, मंचस्थ प्राचार्य द्वय और सुधी श्रोतागण, आज श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम पर मुझे यहाँ पर बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मेरा विषय है साहित्य और कला के क्षेत्र में श्री राम चरित का प्रभाव। संगीत को भी इसमें समाहित करना है ऐसा सर ने कहा था, तो मैं तीनों चीज़ों को लेकर अपनी बातें सुधी श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि
तुलसीदास के राम, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो रामायण और श्री रामचरितमानस ये दोनों स्थापित हैं और इसके इर्द गिर्द अन्य भी हमको राम पर आधारित साहित्य दिखता है। तुलसीदास जी की बात से ही मैं अपनी बात शुरू करूंगी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जशु जो दायक फलचार। अपने सभी गुरुओं के चरण रज को माथे पर लगाकर मैं श्री राम का अपने ही मन के दर्पण में अपनी गलतियों को सुधार कर, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जशु, श्री राम का विमल यश वर्णन करना जा रहा हूँ जो दायक फलचार। राम जी को पढ़ने से, बोलने से, सुनने से चारों फल प्राप्त होते हैं पुरुषार्थ के, हम सब इस बात को जानते हैं। आपको बताऊं कि दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण प्रचलित हैं। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो भारत के अलावा भी हमको राम दिखते हैं, वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रामचरितमानस तो है ही, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण आदि प्रचलित हैं। और रामलीला जो कि राम जी के साहित्य पर ही आधारित मंचन किया जाता है और साहित्य के साथ साथ कला को जो जोड़ता है, इस रामलीला का मंचन भारत के अलावा दर्जन भर देशों में किया जाता है, जिनमें अमेरिका में तो प्रतिवर्ष होता है, चीन है, कंबोडिया है, जावा, सुमात्रा इत्यादि दर्जन भर देशों में रामलीला का मंचन होता है। और हमारे जो प्रथम स्मृतियाँ होती हैं राम जी के बारे में वो इन रामलीलाओं से ही आती हैं। जब हम बचपन में रामलीला का मंचन देखते हैं, मुझे एक गीत बचपन में सुना था वो अब तक याद है, संगीत पक्ष भी इसमें समाहित हो जाएगा, कि राम करते रुदन नीर भर के नयन तीर मारा, हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। तो ये इस तरह की स्मृतियां बचपन से रामलीला को देखते हुए हमारे अंदर समाहित होती हैं और रामचरित वहीं से संस्कार के रूप में हमारे अंदर आता है। राम को जब हम उपनिषदों में देखते हैं तो वो ब्रह्म स्वरूप कहे गए हैं, तत्वमसी कहे गए हैं, र अर्थात तत् जिसमें परमात्मा समाहित है, म अर्थात त्वम जिसमें जीवात्मा समाहित है, और आ की मात्रा असी की द्योतक है। जैसे दूध में धवलता समाहित है, ऐसे भारतीय जीवन और संस्कृति में राम अनुस्यूत हैं, उनको अलग तलाशने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक भारतीय साहित्य में हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त अपनी यशोधरा में राम के बारे में कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये स्वयं ही संभाव्य है, ये सहज ही संभाव्य है। राम के चरित को जो जान जाता है अपने आप उसके काव्य में उसकी आसक्ति हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जैसा अभी सर ने बोला, वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। राम भक्त कवियों ने भी उनके बारे में लिखा है, कृष्ण भक्त कवियों ने भी लिखा है, ज्ञान मार्गी कवियों ने भी लिखा है, और कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जिसको हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, केवल हम नमन कर सकते हैं, ऐसा राम का वर्णन मिलता है। और आधुनिक काव्य में एकदम तत्कालीन में समकालीन साहित्य में चलूं तो बहुत नए कवि हैं जो राम पर लिखकर ही ख्याति जिन्होंने प्राप्त की है। अमन अक्षर, उनका एक गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, राज पाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, कि ना तो दाम ना ही किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, कि राम
राम का जो चरित्र है, राम की स्वयं की जो तलाश है, उसमें राम बन गए थे इस तरह से। तो रामचरितमानस से लेके मलुकदास तक, मलुकदास कहते हैं कि अब तेरी शरण आयो राम, जबे सुनियो साध के मुख पतित पावन नाम, विषय सेति भयो अजीज कह मलुक गुलाम। मलुकदास जी बाबा कहते हैं, मीराबाई को हम सब कृष्ण भक्त कहते हैं, लेकिन मीरा कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती हैं कि अब तो मेरो राम नाम दूसरो न कोई, और प्रेम असुवन डार डार अमर बेली बोई, मेरो तो राम राम दूसरो न कोई। और हमेशा हम कहते कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि राम के बारे में एक लेक्चर तो क्या आप देख ही रहे हैं। मुरारी बापू को मैं देखती हूँ हर बार, वो जब मानस का एक नया पक्ष लेकर उसकी विवेचना करते हैं और हर बार वही मानस नई लगने लग जाती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु, राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों का पान करते हैं, ऐसी राम जी की कथा जो है वो शशि चंद्रमा की किरण के जैसे है, जिसे जो संत जन होते हैं चकोर की तरह उसका पान करते। ये राम चरित का स्वाद है, जिसका स्वादन करने के बाद चकोर की तरह कोई दूसरी जगह भटक नहीं सकता। जब मैं भारतीय साहित्य की बात करती हूँ, तो कुछ विदेशी साहित्यकार हैं जिन्होंने जब राम का चरित्र सुना तो राम पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, फादर कामिल बुल्के हैं, विंसेंट स्मिथ हैं, ग्रिफिक महोदय हैं, और रूसी साहित्यकार वरान्निकोव का बहुत बड़ा काम रामचरितमानस पर है। अब मैं लोकल में अगर आऊं तो छत्तीसगढ़ी साहित्य में भी रामचरितमानस पर बड़ा काम हुआ है। शुक्लाल प्रसाद पांडे जी ने चौबोला लिखा है और कपिलनाथ कश्यप जी ने रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था, जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हुआ था। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ी जो राम काव्य था, संतन जन्म औ राम जन्म लाम डिडौना करिया काजर आंज लगायो, देख देख महतारी मन अब्बड़ सुख पावे। इसी तरह से राम राज्य, जब भी हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम राम राज्य की बात करते हैं, और राम राज्य के लिए छत्तीसगढ़ी काव्य में लिखा है कि सादा जीवन खान पान सबके बड़ सादा, आइस कभू ना कौनो के शरीर मा बाधा, अपन अपन धंधा मा रहे सुमरे हरि नामा, चारी चुगली रे रहे अलग मगन सब मन मा। तो वैश्विक स्तर से लेकर भारतीय स्तर से लेकर छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव में आप देखेंगे कि राम मंडली रामायण मंडलियां बनी हैं, और जहां अभी आप हम रामनवमी की पूर्व संध्या पर यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु हर गांव में रामनवमी के समय में रामायण पाठ सुंदरकांड पाठ आदि होता ही रहता, और मंडलियाँ नियमित इसका गान करती हैं। ये राम का चरित्र का हमारे लोक के अंदर जो प्रभाव है वो हमको इससे दिखता है। और जब हम कहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो तुलसी स्वयं ही कहते हैं कि जहां राम तह अवध निवासु, तह ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां सूर्य का प्रकाश वही दिन है, और जिस हृदय में राम है वही हृदय अयोध्या है। तो अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से क्योंकि राम को हम कौशल के भांजा मानते हैं, कौशल्या माता का ये मायका मानते हैं, इस लिहाज से हम राम को एक जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे कि वहां उनके बाल रूप में सब आशीर्वाद देते हैं, इस तरह से हम उनको अपना भांजा मानते हैं, और इस लिहाज से जितने भी भांजे हैं सबको यहाँ पे पूजा जाता है और आदर दिया जाता है। ये रामचरित का हमारे बीच प्रभाव है। एक बहुत अच्छा ग्रंथ है हिंदी साहित्य में, राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला ने लिखा है और जो कृतिवास रामायण पर आधारित है, बंगाली रामायण जो है, और उसमें राम को एक आम मनुष्य की तरह दिखाया गया है, जिसमें राम निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, और पुनः प्रयास करके विजयी भी होते हैं। उसका एक पद है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिस
जिसके लिए सदा ही किया शोध। राम निराश हो गए कि मेरे जीवन में मुझे हमेशा शोध ही क्यों करना पड़ता है, परंतु स्वयं आत्म शक्ति से वो फिर कहते हैं कि वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। स्वयं आत्म शक्ति से उठते और कहते कि राम थक नहीं सकता, राम दीनहीन नहीं हो सकता, राम हमेशा विनय की अवस्था में नहीं हो सकता, और फिर राम खड़े होते हैं। ये अंतर संघर्ष और आत्म साक्षात्कार का काव्य है, जिसमें वो कहते हैं कि शोषण के विरुद्ध आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। कि आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से दिया जाए, उसी में राम प्रश्न करते हैं, स्वयं राम ही हमको उत्तर देते हैं। जब हम अयोध्या कांड पढ़ते हैं, उसमें राम जी का परिचय मिलता है कि गुरु सिख देई राय पहि गयउ राम हृदय अस विस्मय भयउ। कैकेयी कहती है कि भरत को राजा बनाना चाहिए, उससे पहले राम कहते हैं, राम कहते हैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयन केली कर काई, करन बेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उचाहा, बिमल बंस यह अनुचित एका, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। कि हमारा इतना विमल वंश है, चारों भाइयों का अन्न प्राशन उप यज्ञोपवीत विवाह सब संस्कार एक साथ हुआ, फिर मैं अकेले राजा क्यों बन रहा है, बन रहा हूं इतने विमल वंश की। ये एक चीज मुझे पसंद नहीं आई। ये राम हैं जो कैकेयी के प्रश्न करने से पहले ही अपने पिता से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि मुझे अकेले नहीं, हम चारों भाइयों को राजा बनाइए। यहां से राम का चरित्र, रामचरित मानस को जब हम पढ़ते हैं, तो आप कोई भी दोहा किसी भी पेज का उठा लीजिए, उससे कोई ना कोई नैतिक शिक्षा अवश्य मिलेगी। हमारे यहाँ लड़कियाँ जब ब्याह के जाती हैं तो उनको रामचरितमानस दिया जाता है कि जीवन में जब कोई संदेह आए, जीवन में जब कोई दुविधा आए, तो मानस खोल के पढ़ना, इसमें तुम्हारा समाधान अवश्य मिलेगा। हमारे यहाँ पंचांग में रामज्ञा प्रश्नावली होती है, जिसमें से हम अपने संशय दूर करते हैं। तो राम हमारे यहाँ, जब सुबह हम उठते हैं तो हम कहते हैं राम राम, और जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक, उठने से लेकर सोने तक, राम कण कण में समाए हैं, अंग अंग में समाए हैं, हमारे मन में समाए हैं। रामचंद्रिका के अलावा रैदास कहते हैं, रैदास को हम निम्न जाति के साहित्यकार कहते हैं, और लेकिन वो भी राम भक्त रहे और कहते हैं कि जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, जे सुख वै या रस के परसे, सो सुख का कही गावेगा। और क्योंकि आज हम राम जी का जन्म मना रहे हैं, तो एक सोहर है जो लोक में प्रचलित है, और कुछ क्योंकि मुझे संगीत भी साथ में लेके चलना है, वो सोहर प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कौने घड़ी भय सीरी रामे, कौने घड़ी लची मन हो ललना, कौने घड़ी भरत भुआल तीनों घर सोहर हो ललना, कौने घड़ी भरत भुआल। और फिर इस तरह से चलता है कि तीनों माताओं के नाम आते हैं, तीनों बच्चे किस किस घड़ी में हुए बताए जाते हैं। क्षमा करेंगे, मैं गाना जानती नहीं हूँ, इसलिए त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। पर ये जो सोहर है, ये घर घर में गा, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, हम राम जी का ही सोहर गाते हैं, हर बच्चे को हम राम स्वरूप समझते हैं, ये राम का हमारे जीवन में अस्तित्व है। और जब मैं उपन्यासों को देखती हूँ, तो नरेंद्र कोहली का अभ्युदय उपन्यास आप अवश्य पढ़ें, जिसमें राम को एक नए अवतार में दिखाया गया है, जिसमें राम युगों युगों के अंधकार को चीरकर भक्ति काल की भावुकता से बाहर आए हैं और आधुनिक यथार्थ की जमीन पर खड़े दिखते हैं। पाठक चमत्कृत हो जाता है अभ्युदय के राम को देखकर, जिसमें राम एक राजकुमार नहीं है, बल्कि अपने आत्मबल से शोषित पीड़ित त्रस्त जनता के अंदर प्राण फूंकते हुए दिखते हैं। उसमें हर पात्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अभ्युदय में लिखा गया है। तो राम हमेशा से साहित्य में रहे हैं और लोकप्रिय रहे हैं।
आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में रामनामी संप्रदाय है। रामनामी संप्रदाय के लोग अपने पूरे शरीर में राम नाम का गुदना गुदवाते हैं। उनके चादर में, बिस्तर में, उनके दीवारों पे हर जगह राम राम है। तो छत्तीसगढ़ में तो राम विशेष रूप से विद्यमान है। मधुबनी पेंटिंग आप देख लीजिए या मैथिल के जो गीत हैं, मिथिला क्योंकि सीता माता का घर है तो वहाँ राम को दामाद के रूप में देखा जाता है और वहाँ के लोकगीतों में राम को दामाद की तरह कहते हैं। और एक गीत है कि ए पहुनाए ही मिथिले में रहुना, जौने सुखबा ससुरारी माँ, तौने सुखबा ससुरारी माँ, तौने सुखबा कहुना, ए पहुनाए ही मिथिले में रहुना। कि मिथिला में रह जाइए राम जी, ब्याह हो गया, ससुराल का सारा सुख दिया जाएगा आपको, लेकिन मिथिला छोड़ के मत जाइए। तो इस तरह से राम हमारे साहित्य में है, लोक साहित्य में है, संस्कारों में है। और जब हम मानस पढ़ते हैं तो जो नीति वाक्य बोल चाल में हम सुनते हैं कि राम को जो जैसे देखेगा राम उसे उस रूप में मिलेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी अति तैसी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र को सत्संग मिलता है, ये आज जो गोष्ठी है वो एक किस्म का सत्संग है। क्षण मात्र को भी यदि सत्संग मिले तो तुला में स्वर्ग के सुख को भी तौला जाए तो उससे नीचे जाएगा और सत्संग ऊपर जाएगा। आगे वो कहते हैं, हम बाद में जब हमें हमारा वश नहीं चलता तो हम कहते होई है वही जो राम रची राखा। इस तरह से हम अपने मन को समझा लेते हैं। जब किसी को डांटना होता है, अभी कुछ बच्चे वहाँ पे उधम कर रहे थे तो गुरु जी ने वहाँ पे डांटा, तो भय बिनु प्रीत न होई बोलते हैं और हम फिर डांट लगाते हैं। तो राम कण कण में है। हम प्रातः काल उठ के बच्चे को प्रणाम करना सिखाते हैं और ये कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। कि श्री राम भले भगवान हैं लेकिन उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और सद आचरण का पालन करते हैं, तो प्रातः उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा राम जो हैं उनके बारे में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डंडा गीत वगैरह भी हैं। राउत नाचा में भी राम का प्रयोग किया जाता है। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरथ के पंग, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत, सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव बिन सिंधु बिना जलयान। कि जैसे ये संसार रूपी जो भव सागर है इससे तरने के लिए राम को किसी भी रूप में आप ग्रहण करें, उनके नाम का श्रवण करें, भजन करें, इस सिंधु से हम पार हो जाएंगे। और राम सर्वजन हिताए बहुजन सुखाए, इस भावना से तुलसीदास ने लिखा था और इसी रूप में हमारे बीच हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस अंत में यही कहूंगी कि कभी भी कोई भी घबराहट हो, कभी भी संशय हो, मार्ग न मिल रहा हो या जीवन में हमें कैसा बनना है अगर हम सोचें तो हमें श्री राम की तरह बनना है। और हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। इसी भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबने सुना, मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी इतनी मधुर वाणी में संगीतमय तरीके से अद्भुत जो श्री राम की महिमा पर वक्तव्य मैडम ने प्रस्तुत किया है उसके लिए एक बार और जोरदार ताली। कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। इनका आज का विषय है लोक कल्याण और राजनीति के क्षेत्र में भगवान श्री रामचरित्र का प्रभाव।
परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज, स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर कल्पना मिश्रा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विद्यापीठ आवासीय विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रसाद जी उपस्थित, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा प्रिय छात्र छात्राओं, अभी दो बड़े प्रेरक वक्तव्य हमने भगवान श्री राम के चरित्र पर सुने। मैं भगवान श्री राम के लोक कल्याण और उनके राजनीति पर प्रभाव के विषय में अपने वक्तव्य सीमित रखना चाहूँगा। भगवान श्री राम समस्त उदात्त मानवीय गुणों के सारभूत हैं। जीवन के सभी उदात्त गुण उनके जीवन में समाये हुए हैं। ऐसा कोई भी गुण नहीं लगता जो मानव जीवन में सद्गुण है वह श्री राम के जीवन में नहीं हो। सत्य, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शौर्य, पराक्रम, विनयशीलता, दयालुता, आज्ञाकारिता, मातृभक्ति, पितृभक्ति, लोक कल्याण, संगठन क्षमता, नेतृत्व क्षमता, ऐसे सारे गुण भगवान श्री राम के जीवन में समाहित हैं। उनका जीवन एक ऐसे स्फटिक मणि की भांति है कि जिस भी कोण से आप उनके जीवन को देखें उनका जीवन एकदम प्रकाशित दिखाई पड़ेगा। उनके जीवन का प्रत्येक कार्य उत्कृष्ट है, उनके जीवन का प्रत्येक कार्य मनोमुग्धकारी है, उनके जीवन का प्रत्येक कार्य प्रेरणादायक है। तो ऐसा अद्भुत चरित्र भगवान श्री राम का है। भगवान श्री राम के चरित्र को भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखा है। एक इतिहासकार की दृष्टि में भगवान श्री राम एक अप्रतिम लोकनायक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विखंडित इस भारत को एक अखंड सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिणित किया। एक संस्कृत शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति की समन्वय साधना के सबसे सुंदर पुष्प के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने आर्य और अनार्य संस्कृतियों का एकीकरण कर भारतीय सामाजिकता के आदर्श को प्रस्तुत किया। एक नीति शास्त्री की दृष्टि में भगवान श्री राम का जीवन एक जाजल्वमान आलोक स्तंभ है जिसके प्रकाश में व्यक्ति अपने जीवन का सही मार्ग खोज सकता है। और एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि में भगवान श्री राम सर्वोत्कृष्ट मानव कल्पना के एक आदर्शतम शासक के रूप में सामने आते हैं जिनका राम राज्य आज भी समस्त राजनीति का आदर्श है। जहाँ पर शासक और शासित का भेद नहीं रहता, जहाँ त्रिताप नष्ट हो जाते हैं और जहाँ मानव जीवन के विकास की सर्वोच्च संभावनाएं विद्यमान हैं। भगवान श्री राम की जो राजनीति है वो बड़ी विलक्षण थी। हम जिस दृष्टि से राजनीति शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान श्री राम के जीवन में वो राजनीति नहीं थी। राजनीति के चार चरण माने गए हैं, साम, दाम, दंड, भेद, और दंड भेद भगवान श्री राम की राजनीति में नहीं था। उनके सारे राजनीति का केंद्र था प्रेम। प्रेम ही उनके राजनीति का मूल आधार था। जो कार्य शस्त्र नहीं करा सकते थे वो भगवान श्री राम प्रेम के द्वारा करवा लिया करते थे। वे तो रावण से युद्ध नहीं करना चाहते थे और इसीलिए अंगद को दूध बनाकर संधि का प्रस्ताव लेकर रावण के दरबार में भेजते हैं। पर रावण तो बड़ा अहंकारी था, उसको ऐसा लगता है कि जो दुर्बल व्यक्ति है वही संधि का प्रस्ताव रखता है और इसलिए रावण संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। और तब
तब भगवान श्री राम को विवश होकर न चाहते हुए भी रावण से युद्ध रखना चाहता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जिस राजनीति का परिचय दिया वह राजनीति सामान्य व्यक्तियों की राजनीति से बिल्कुल अलग थी, और यही कारण है कि बाली और रावण भगवान श्री राम की राजनीति को नहीं समझ पाए। जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली पर बाण का प्रहार किया तो आहत बाली को ऐसा लगा कि राम को राजनीति नहीं आती। उसे लगा कि राम को यदि रावण से सीता को प्राप्त करने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता थी तो वो मुझे अपना मित्र बनाते, मैं रावण का विजेता। आप में से जो लोग रामायण के संबंध में कुछ जानकारी रखते हैं वे जानते हैं कि बाली है वह रावण का विजेता है। उस समय बाली और रावण ये दो महत्वाकांक्षी व्यक्ति और वीर व्यक्ति थे। रावण दिग्विजय के लिए निकला हुआ था, किंतु जब बाली से उसका सामना हुआ, बाली ने रावण को पराजित कर दिया, और न केवल रावण को पराजित किया, अपने कांख में 6 माह तक दबाकर सारी दुनिया को बाली बताता रहा घूम घूम कर कि देखो मैंने विश्व विजेता रावण को पराजित कर दिया है। पर बाद में रावण को लगा कि अब बाली तो बड़ा वीर पुरुष है और उसके साथ मित्रता करना अभीष्ट है। बाद में उन्होंने बाली से मित्रता कर ली और इस प्रकार बाली और रावण मित्र बन गए। तो बाली को ऐसा लगता है कि यदि भगवान श्री राम को रावण से सीता को प्राप्त करने के लिए यदि किसी मित्र की आवश्यकता थी तो मुझे अपना मित्र बनाते, मैं रावण का विजेता। मेरा नाम सुनते ही रावण सीता को वापस लौटा देता, यदि वो लौटाता नहीं तो मैं पुनः रावण को पराजित करके सीता को भगवान श्री राम के समीप लाकर रख देता। किंतु यह राम तो राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल कच्चा व्यक्ति है, इसको राजनीति नहीं आती। और यह जो राम है राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल शिशु है, बिल्कुल राजनीति से अज्ञान है। उसी प्रकार जब अंगद को राजदूत बनाकर भगवान श्री राम रावण के दरबार में भेजते हैं तो रावण को लगता है कि यह जो राम है वह राजनीति का नहीं, जो बुद्धू है, यह बिल्कुल मूर्ख है, इसको राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। रावण को ऐसा लगता है कि यदि किसी को दूत बनाकर भेजा जाना है तो दूत तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत विश्वसनीय हो, और इस राम ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना दूत बनाया है जिसकी न केवल इसने पिता की हत्या की है और पिता की मृत्यु के बाद जो राज्य संगत को मिलना चाहिए था वह राज्य भी अंगद से छीन लिया है और सुग्रीव को दे दिया है। तो बाली को ऐसा लगता है कि यह जो राम है वह राजनीति का निरा बुद्धू है, इसको राजनीति बिल्कुल नहीं आती है। पर रावण और बाली जिसे राजनीति समझ रहे थे, भगवान श्री राम की राजनीति उससे बिल्कुल अलग थी। भगवान श्री राम की राजनीति का उद्देश्य कोई व्यक्तिगत सत्ता का संरक्षण नहीं था, कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं थी, अपितु उनका तो एक ऐसा उदार जीवन दर्शन था जो उनके प्रत्येक कार्य से प्रकट होता था। राम अंगद को ही अपना राजदूत बनाते हैं और अंगद को राजदूत बनाने में भगवान श्री राम की स्वयं की राजनीति है, मानो वे रावण को चुनौती देना चाहते हैं, वे रावण के राजनीतिक दर्शन को चुनौती देना चाहते हैं कि रावण तुम अपने को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते हो और हमारे दल से किसी न किसी को तुम फोड़ना चाहते हो। रावण शुक और सारण दो गुप्तचरों को राम के सेना में भेजा भी था, गुप्तचरों से जानकारी लेने के लिए भेजा था। तो भगवान श्री राम मानो रावण से कह रहे हैं कि तुम हमारे दल से किसी को फोड़ना चाहते हो और इस प्रकार से गुप्तचर भेजते हो, तो देखो मैं तुम्हारी दृष्टि में सबसे दुर्बल व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूं और तुम इसे फोड़ना चाहो तो फोड़ कर देख लो। रावण कोशिश भी करता है, रावण अंगद से पूछता है अरे बंदर तेरा नाम क्या है, अंगद कहता है मेरा नाम अंगद, रावण कहता है तेरे बाप का नाम,
अंगद कहता है मेरे पिता का नाम बाली। रावण जब बाली का नाम सुनता है तो कहता है अच्छा अच्छा तुम बाली के बेटे हो, अरे बाली तो मेरे भारत में बहुत बड़ा बहुत अच्छा मित्र है, कहो मेरे मित्र बाली कुशल से तो है ना। देखिए रावण बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बाली की मृत्यु भगवान श्री राम के बाण से हो चुकी है, किंतु वह अंगद की प्रतिहिंसात्मक भावना को जगाना चाहता था, किंतु अंगद ने जो जवाब दिया उसको सुनकर बाली बहुत आग बगुला हो गया। अंगद कहने लगा रावण तुम अपने मित्र की कुशलता का समाचार पूछना चाहते हो ना, तो 10 दिन बाद तुम भी वहीं पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारा मित्र बाली पहुंचा हुआ है, तुम वहां जाकर उनसे कुशलता का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लेना। 10 दिन गए बाली पहुंच जाई, बुझाऊ सखा कुशल उर लाई। रावण उसको सुनकर आग बगुला हो जाता है, कहता है अरे बंदर तेरा तेरा आत्मविश्वास क्या इतना नष्ट हो गया है कि जिस व्यक्ति ने तेरे पिता की हत्या की, जिस व्यक्ति ने तेरा राज्य छीना, उस व्यक्ति की तू प्रशंसा कर रहा है, उसकी महिमा के गीत गा रहा है, क्या तेरा स्वाभिमान इतना नष्ट हो गया है। अंगद कहता है रावण मुझे उकसाने के लिए बंग बाण की आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप को जान चुका। भगवान श्री राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री राम तो साक्षात ईश्वर हैं। सुन सठ भेद होई नहीं जाके, श्री रघुबीर हृदय नहीं ताके, भगवान श्री राम तो सबकी आत्मा है। अरे वो मेरे पिता के भी उतने ही हितैषी थे जितने हितैषी वे सुग्रीव के थे, और इसीलिए जब बाण लगने के बाद मेरे पिता का ज्ञान दूर हुआ तो मेरे पिता को उन्होंने अचल और अमर बना देने का प्रस्ताव भी रखा था, किंतु मेरे पिता ने भगवान श्री राम को देखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देना उचित समझा। अद्भुत बाली का जीवन है, और जब भगवान श्री राम ने जब उसे अचल बना देने का प्रस्ताव दिया तो जो राम की स्तुति बाली ने की वो बड़ी अद्भुत स्तुति है। रामायण में तो राम की बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, पर इस बाली के स्तुति का जो सौंदर्य है वो बड़ा अलग है। बाली कह रहा है, भगवान श्री राम उसे अचल बना देने का प्रस्ताव दे रहे हैं, और बाली कह रहा है सो नयन गोचर जासु गुणनिध, नेति श्रुति कही गावही, जिति पवन मन गो निरस कर्मुनि ध्यान कबहु गावही, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहेहु राखु शरीर ही, अस कवन सठ हट काट सुर तरु बारिन करही बबू रही, अब नाथ तुम करना विलोकहु देहु यह वर मांगहु, जेहि जोनि जन्म कर्म बस श्री राम बस अनुराग हूँ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गहि बाह धर सुर नाह आपन नाथ दशरथ नाथ अंगद कीजिए। बाली कह रहा है कि आपने मुझे अभिमानी समझा प्रभु, और आपने मुझको अभिमानी समझकर शरीर रख लो, ऐसा इस प्रकार का प्रस्ताव दिया। अरे ऐसा कौन मूर्ख होगा जो चंदन के पेड़ को काटकर उसकी लकड़ी से बबूल के वृक्ष की बाड़ बनाएगा। जब मुझको ऐसा महत्वपूर्ण पद मिल रहा है, जो महत्वपूर्ण पद ऋषि मुनियों को जन्म जन्मांतर तपस्या करने के बाद नहीं मिलता, ऐसा पद जब मुझको मिल रहा है और तब मैं अपने इस तुच्छ नश्वर शरीर को लेकर क्या करूँगा। तो इस प्रकार बाली बहुत सुंदर स्तुति भगवान श्री राम की वहाँ पर करता है। तो अंगद रावण से कह रहा है रावण वो मेरे पिता के उतने ही हितैषी थे जितने भी सुग्रीव के हितैषी थे, और जब उनका अभिमान दूर हुआ, उनका ज्ञान दूर हुआ, भगवान श्री राम ने तो उनको स्वस्थ कर देने की अचल कर देने का प्रस्ताव भी रखा था, किंतु यह मेरे पिता की महानता थी कि उन्होंने भगवान श्री राम के सामने ही अपना देह त्याग करना उचित समझा और उस परम लोक के अधिकारी हुए जो परम लोक जन्म जन्मांतर
ऋषि मुनियों को प्राप्त भी नहीं होता है। तो ऐसा अद्भुत बाली का जो दृश्य था, बाली के मृत्यु का दृश्य था, अंगद ने मानो वहाँ पर चित्रित किया। और रंगत कहने लगा, तू क्या समझता है तेरे कहने से मैं भगवान श्री राम के स्वरूप को भूल जाऊँगा? और यही रावण की राजनीतिक दृष्टि से पराजय थी कि वह बाली को बदल नहीं सका, वह अंगद को बदल नहीं पाया। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पिता का हाथ काट ले, तो आहत व्यक्ति का पुत्र अपने पिता के प्रहार का बदला लेना चाहेगा, यह स्वाभाविक है। पर यदि कोई व्यक्ति अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर ऑपरेशन करके उसका हाथ काट ले, तो वो डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ भी रहता है और ऑपरेशन करने की फीस भी चुकाता है। तो अंगद के मन में श्री राम के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास था कि भगवान श्री राम ने जो कुछ भी किया है, चाहे उसने बाली पर प्रहार किया, चाहे मेरा राज्य छीना, वो उसने मेरे हित के लिए किया है। तो ऐसा दृढ़ विश्वास अंगद के पास था, और ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री राम ने रावण के राजनीतिक दर्शन को चुनौती देने के लिए रावण के दरबार में भेजा। और रावण अंगद के वाक प्रहारों से बुरी तरह से पीड़ित हुआ और अपने आप को पराजित अनुभव करने लगा। और भगवान राम की इसी जो सेना, इसी प्रेम की जो शक्ति का प्रभाव है, इसी प्रेम की शक्ति का प्रभाव भगवान श्री राम के संपूर्ण सेना पर पड़ता है। देखिए, ऐसे रावण का भी जो दृष्टिकोण था अपने सैनिकों के प्रति बहुत उदार था, क्योंकि रावण ने जब लंका के राज्य को जीता, तो लंका के राज्य और वैभव का उपभोग स्वयं नहीं किया, उसने लंकावासियों को, लंका के लोगों को लंका के वैभव और ऐश्वर्य का उपभोग करने की अनुमति देकर उनके जीवन को सुखी बनाया। यही जैसे जोग बाट गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी कर किन्हें, सभी लंकावासियों को उन्होंने वैभव का उपभोग करने के लिए दिया और उनको सुखी बनाया। किंतु यह जो रावण का प्रेम अपने राक्षसों के प्रति था, अपने सैनिकों के प्रति था, वो उसका वास्तविक प्रेम नहीं था। वो प्रेम उसके स्वार्थ पर आधारित था, उसकी स्वार्थ भावना पर आधारित था। और ये तब पता पड़ता है जब राम रावण का युद्ध होता है। राम रावण का जब युद्ध होता है, तब ऐसे अवसर आते हैं कि राक्षस सैनिक वानर सैनिकों के प्रहार से युद्ध को छोड़कर भागने लगते हैं। और रावण जब देखता है कि उनके सैनिक वानर सैनिकों के प्रहार से युद्ध को छोड़कर भाग रहे हैं, पीठ पीछे दिखा रहे हैं, तो रावण उन सैनिकों पर बड़ा क्रुद्ध होता है। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को इतना भोग और ऐश्वर्य इसलिए नहीं दिया था कि तुम लोग इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागोगे। सर्बस खाई भोग करी नाना, समर भूमि गए बल्लभ प्राणा। अरे, मैंने तुमको यह भोग और ऐश्वर्य तो इसलिए दिया था कि जब अवसर आएगा तो मेरे लिए तुम प्राण देने के लिए भी नहीं हिचकोगे। और रावण बहुत क्रोधित होता है अपने राक्षस सैनिकों पर और घोषणा कर देता है कि समर विमुख जही सुना मैं काना, तेही मैं हतब कराल कृपाना। यदि कोई भी राक्षस सैनिक को मैं समर से, युद्ध भूमि से पीठ दिखाते हुए भागते देखा, तो मैं स्वयं उसका वध कर डालूंगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो रावण का अपने सैनिकों के प्रति प्रेम था, वो उसकी स्वार्थ भावना पर आधारित था। किंतु धन्य है भगवान श्री राम का प्रेम। उस युद्ध में ऐसे भी अवसर आते हैं जब राक्षस सैनिकों के प्रहार से वानर सैनिक भागने लगते हैं। भगवान श्री राम वानर सैनिकों को भागते हुए देखते हैं, पर वो रावण की भांति उन पर कुपित नहीं होते। वे सुग्रीव से, विभीषण से, अंगद से कहते हैं, तुम सुग्रीव विभीषण अनुज संभारहुं सैन, मैं देखई खल दल बलही बोले राजीव नैन। वे सुग्रीव विभीषण अंगद से कहते हैं कि अरे देखो, तुम लोग हमारे इन सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करो,
ये युद्ध में थक गए हैं, इसलिए युद्ध से भाग रहे हैं। तुम इनकी सुरक्षा का व्यवस्था करो, तुम इनकी भोजन का व्यवस्था करो, और तब तक मैं शत्रुओं को देखता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री राम स्वयं युद्ध में सबसे पहले आगे चले जाते हैं। और यहीं पर रावण और राम के व्यक्तित्व का जो पार्थक्य है वह स्पष्ट हो जाता है। रावण राजा है, किंतु जब उसके राज्य में संकट आता है तब वो अपनी सेना को आगे कर देता है, सैनिकों को आगे कर देता है, खुद लड़ने के लिए नहीं जाता। और यही रावण का राजनीतिक दर्शन है, यही उसका जीवन दर्शन भी है कि वो जितने दूर के व्यक्ति हैं उनको पहले युद्ध में लड़ने के लिए भेजता है, जितने दूर के लोग हैं उनको पहले युद्ध में मरने के लिए भेजता है, पहले वह सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजता है, सैनिक मर जाते हैं उसके बाद सेनापतियों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजता है, सेनापति भी जब मर जाते हैं उसके बाद वो मंत्रियों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजता है, मंत्री भी जब मर जाते हैं तब वो अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध में लड़ने के लिए नहीं भेजता, क्योंकि मेघनाथ तो उसका पुत्र है और पुत्र तो व्यक्ति की आत्मा होती है। रावण को लगता है कि जब तक मेरे एक थोड़े भी दूर का संबंधी विद्यमान है, मैं अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालूं? वो सोते हुए अपने भाई मेघनाथ को जगाता है, कुंभकर्ण को जगाता है, सोते हुए अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण भी जब युद्ध में मारा जाता है तब वो मेघनाथ को युद्ध में लड़ने के लिए भेजता है, और जब मेघनाथ भी युद्ध में मारा जाता है तब वो स्वयं युद्ध में लड़ने के लिए जाता है। तो यह रावण का जीवन दर्शन है, परम स्वार्थ का जीवन दर्शन है, जहां पर वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सारे राक्षस समुदाय का विनाश कर देने के लिए तत्पर दिखाई देता है। किंतु धन्य है भगवान श्री राम जो युद्ध में सबसे पहले आगे हैं। यदि युद्ध में कभी भी मिटने की समस्या होगी, युद्ध में कभी भी मरने की समस्या होगी, तो सबसे पहले श्री राम मरेंगे। और भगवान श्री राम की दृष्टि अपने केवल वानर सैनिकों के रक्षा के प्रति भर नहीं है, शत्रु के भाई विभीषण के प्रति भी उनकी वैसी ही दृष्टि है। रावण जब विभीषण को देखता है अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर शक्ति का प्रहार विभीषण पर करता है। विभीषण की मृत्यु निश्चित थी, यदि भगवान श्री राम की विभीषण के साथ मैत्री कोई स्वार्थ भावना पर आधारित होती तो भगवान श्री राम के लिए यह सबसे अच्छा अवसर था कि वे विभीषण को समाप्त हो जाने देते, किंतु भगवान श्री राम वो तो शरणागत वत्सल है, वो तत्काल विभीषण को पीछे लेते हैं और स्वयं हंसते हंसते उस भयानक शक्ति के प्रहार को सह लेते हैं। और भगवान श्री राम का जो प्रेम है, यही उनके वानर सैनिकों के हृदय में महान उत्साह की सृजना करता है। कठिनतम परिस्थितियों में वे वानर सैनिक लड़ते हैं, युद्ध विरत नहीं होते, अपने दिल के लगाकर लड़ते हैं, मन प्राण से वो लड़ते हैं, क्योंकि राम का वह जो दिव्य प्रेम है उनको निरंतर अनुप्राणित करते रहता है। किंतु इसके विरुद्ध रावण के सैनिक हैं जो लड़ना नहीं चाहते, जो थक गए हैं, जो विश्राम चाहते हैं, पर रावण का वह वाक्य समर विमुख जही सुना मैं काना तही मैं हतब कराय कृपाना, जिस किसी भी राक्षस को मैंने समर विमुख देखा मैं स्वयं मार दूंगा, ये रावण के शब्द उन राक्षस सैनिकों के कान में गूंज रहे हैं। वो युद्ध नहीं करना चाहते, थक गए हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठा पा रहे हैं। और भगवान श्री राम देखते हैं कि ये सब सैनिक थक गए हैं, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे करुणा वत्सल भगवान श्री राम स्वयं रावण के पास जाते हैं और उनसे प्रस्ताव रखते हैं, द्वंद्व युद्ध देखाऊं सकल श्रमित भय सब वीर, सभी सैनिक जो हैं वो थक गए हैं, इसलिए अब युद्ध को रोक दिया जाए। और इस प्रकार भगवान श्री राम न केवल वानर सैनिकों के प्रति, राक्षस सैनिकों के प्रति भी उनके मन में अतीव प्रेम है, और ऐसा प्रेम वही उनके राजनीति का केंद्र है।
जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि राजनीति के चार चरण होते हैं, साम दाम दंड भेद। अभी तो विवेचना का अवसर नहीं है, पर भगवान श्री राम की राजनीति में केवल साम और दाम ही हैं, दंड और भेद उनकी राजनीति में नहीं है। तो एक ऐसा अद्भुत भगवान श्री राम का जीवन चरित्र है, उनकी पूर्व संध्या में हम उनके चरणों में प्रणति विज्ञापित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया, धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इतने जीवांत वक्तव्य के लिए। माननीय वक्ताओं के वक्तव्य के पश्चात मैं अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्रीमद् स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमद् स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज, नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर कल्पना मिश्रा, डॉक्टर रश्मि पटेल, श्री एच डी प्रसाद, शिक्षक व शिक्षिकाएं, उपस्थित देवी व सज्जनों एवं प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज का विषय है भारतीय संस्कृति पर रामचरित्र का प्रभाव। प्रभाव एक ऐसा शब्द है जो स्वभाव से जुड़ता है। यदि कोई नए व्यक्ति से मिले कहीं जाए तो कहते हैं वह व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यवहार की बात में ऐसा होता है। कोई कह दे ना रे दूर से रहो, जहाँ तक मिलने के बिना काम चलता है मिलने मत जाओ, क्यों, उसका स्वभाव ऐसा है। और जैसा स्वभाव होता है वैसा उसका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे भगवान राम के जीवन में उसका स्वभाव क्या है। व्यावहारिक जीवन होता है कि उन्हें कहे यदि कलेक्टर नया डिस्ट्रिक्ट में देखो नया कलेक्टर है, बोले कैसा है उसका स्वभाव, तो बोले बड़े प्रेमिक है, अरे रहने दे, बड़ा खतरनाक है, दूरी रहो। ये प्रभाव के स्वभाव के साथ प्रभाव अटूट भाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान राम के यदि को प्रभाव को देखना है तो पहले उसको स्वभाव को ही देखना पड़ेगा। अपन बचपन से ही देखते हैं, आप लोग सब जानते हैं, विश्वामित्र जब आते हैं राजा दशरथ के पास कि मेरे दो पुत्रों को, आपके दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण को दीजिए, विश्वामित्र राजा दशरथ नहीं देते हैं कि एक तो वृद्धावस्था में दो पुत्र मेरे को प्राप्त हुआ है, उसको भी आप ले जाना चाहते हैं, ये आपने विचार करके बात को नहीं कहा। वशिष्ठ जी ने उसके कान में जाके कहा, देखिए राजा दशरथ, जिस यज्ञ के रक्षा के लिए विश्वामित्र महाराज आए हैं और रक्षा के लिए आप आपके दोनों पुत्र को मांग रहे हैं, तो आपका पुत्र भी तो यज्ञ से ही पैदा हुआ है, आपने तो पैदा नहीं किया, यज्ञ के द्वारा ही आपके पुत्र का जन्म हुआ है, चार पुत्र आपको जो प्राप्त हुआ है, और वही यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र मुनि जब मांग रहे हैं तो आप उसको नहीं दे रहे हैं, क्या यह उचित है।
राजा दशरथ स्वीकार कर लेते हैं। ये बोले छोटे छोटे बच्चे क्या वहाँ युद्ध कर पाएंगे, क्योंकि उसके प्रभाव को नहीं जानते थे, स्वभाव को जानते थे राजा दशरथ, बच्चे हैं। बुलाया गया, दोनों गए, बोल सकते थे, अरे उसका युद्ध जंगल में राक्षसों से युद्ध, हम लोग छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज्ञा, यह है उसका स्वभाव, पिताजी का आदेश हमारे लिए आज्ञा है, इसका स्वभाव पिताजी का उपदेश का आज्ञा का पालन करना। उसके बाद अपने जंगल में जब वन यज्ञ की रक्षा के लिए जाते हैं, तब देखते हैं उनका प्रभाव क्या है, बड़े बड़े राक्षस कहाँ गए। जब विवाह के बाद भगवान राम आते हैं, रात को कहते हैं, देखो राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तो गुरु वशिष्ठ को कहते हैं, भगवान राम को, राम को जाके आप बताइए कल आपकी राजगद्दी होने वाली है। ठीक है, पर दूसरे दिन प्रातः क्या देखते हैं, बोले राजा दशरथ आपको बुला रहे हैं महल में, कैकेयी के महल में। क्या उसको राजगद्दी की वहाँ सूचना मिलती है? तो वो तो कहते हैं कि आपको 14 बरस का वनवास। ठीक है, ना राजगद्दी पाने की सुख, ना 14 वर्ष वनवास जाने का दुख, यह है उनका स्वभाव। स्वभाव माने क्या, एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना त्याग कर सकता है, इसका उच्च से उच्चतम उदाहरण समाज में देखने को नहीं मिलेगा, जो भगवान ने अपने स्वभाव में दिखाया। आज सारी समाज में युद्ध भाई भाई से हो रहा है, प्रेम तो गया, प्रेम खाली किताब में लिखा है, भ्रातृ प्रेम पुस्तकों में खाली है, देखने को नहीं मिलता है। भगवान राम इसलिए राज वनवास हो गए कि भरत भाई को राजगद्दी मिलने वाली है। बोल सकते थे मैं तो बड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, यह है उनका स्वभाव। भाई के लिए भाई कितना त्याग कर सकता है, उन्होंने अपने जीवन में दिखाया। और जंगल में जब गए तो किन लोगों के साथ रहे, अभद्र भाषा में बोलते हैं जंगली, और सभ्य भाषा में बोलते हैं वनवासी, वन में रहते हैं। एक वनवासी भाइयों को उन्होंने गले लगाया, यह है उनका स्वभाव। केवट से हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई नौका ले आओ, हमको पार जाने का है। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नौका नहीं लाएंगे, क्यों, हमने सुना है आपका प्रभाव क्या है, इसलिए हमने आपको प्रभाव सुना है पहले से, इसलिए हम आप बुलाने से भी नहीं जाने वाले हैं। कैसे माने, जैसे गांव के गंवार लोग बोलते हैं, अरे भैया ले आ, तेरी जो उतराई हम देंगे, ना 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 ना। फिर वो सब बताते हैं, आप लोग पढ़ें सब रामायण में, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। पार होता है पूरे उसके, अपन बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, 14 पुरखा वो करतर गए, माने जितने उसके पुरखे वाले थे सबको उन्होंने पार करा दिया। जैसे डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा कह रहे थे, बाली को मारा उसने, भगवान राम ने, विस्तार से रामायण में लिखा है, पर युवराज किसको बनाया, अंगद को। सुग्रीव के पुत्र को उसने युवराज, सुग्रीव को बाली के बाद राज तो सुग्रीव को मिला, पर सुग्रीव के पुत्र को उसने युवराज नहीं बनाया, बाली के पुत्र को ही युवराज बनाए। भगवान राम की राजनीति ओम भैया से आप लोग विस्तार में सुने हैं। दूसरा, रावण का भाई जब विभीषण मिलने आया तो विभीषण खुद कहता है, अपना परिचय देता है, मैं रावण का भाई हूँ,
खाली विभीषण नहीं कहता है, मैं रावण का भाई हूँ और मिलना चाहता हूँ। तो उसके सब मंत्री वंत्री सब थे, सुग्रीव ग्रीव बहुत, नहीं महाराज उसको तो दूरी रखेंगे, जरूरत नहीं, उसको बांध के रखेंगे हम लोग, वो भगवान राम के अग्नि आने जाने, मैं उसको बांधूंगा, पर किसे, अपने भुजाओं से बांध के रखूंगा। शत्रु के भाई के साथ कैसा उनका प्रेम, यह है स्वभाव। फिर जब सीता माता के ऊपर लांछना जब लगाया गया और सीता जी को फिर से वनवास जाना पड़ेगा, ऐसा करके बात चली, लक्ष्मण बहुत विरोध करते हैं कि यह ठीक नहीं हो रहा है। राम कहते हैं देख लक्ष्मण, इस राज्य में जो राजा होता है प्रजा का सेवक होता है, इसलिए प्रजा के जो मत है उनके अनुसार राजा को राज्य करना पड़ता है। विवशता होते हुए भी उनने भाई के आज्ञा का पालन किया और सीता जी को वनवास उनको भेजना पड़ा। अब यह एक क्या गंभीर विषय है, जिस सीता जी को रावण हरण करके ले गया था उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरा राक्षस कुल को नाश कर दिया। रावण राक्षस कुल को जिन्होंने नाश कर दिया, माने उसको धर्म पत्नी के ऊपर प्रेम है या घटना दर्शाता है, क्या एक सामान्य उसके प्रजा के कहने के सीता को उन्होंने त्याग कर दिया, इतने आसान है आदर्श भगवान का दिखाने के लिए, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ जो सामान्य लोगों के लिए असंभव है, यह भगवान का त्याग और आदर्श। स्वामी जी कहते हैं भारत का आदर्श है त्याग और सेवा। भगवान राम ने अपने जीवन में दोनों चीज दिखाया, क्या त्याग है और क्या सेवा है। और भगवान राम के जीवन का जो प्रभाव भारतीय संस्कृति में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। और उसके प्रभाव को यदि देखने का है तो आप गांव में जाइए, शहर का संस्कृति भी बदल रही है, गांव में जाके देखिए। मैं दो तीन घटना का उल्लेख करता हूं। भावनगर की एक घटना है, मुरारी बाबू का नाम आप लोगों ने सुना है, एक जगह कहीं जा रहे थे तो रास्ता में गाड़ी खराब हो गया, तो जैसे गांव के पास बच्चों गए, बच्चे आओ आओ क्या हो गया, गाड़ी बंद पड़ गई है और धक्का लगा, तो दो बच्चे बुलाएंगे तो चार बच्चे आएंगे और शहर में बड़े को चार को बुलाएंगे तो एक भी नहीं आएगा, बोले हमारे पास समय नहीं है। गाँव में देखिए बुला के, बच्चे आए धक्का मार के गाड़ी को चला दिए, फिर मुरारी बापू तो कुछ उसको पैसे देने लगे, तो गांव के बच्चे गुजराती बोल रहे हैं कि हम बापू तुम्हें मुरारी बापू छो ना, बोले हाँ आप मुरारी बापू है ना, बोले मैं हाँ हूँ, तो आपने तो आप वानू है बापू, आपने पैसे कहले वानू थोड़ी होए, मैंने आपको तो हम देंगे आपसे लेंगे कैसे हम, ये है भगवान राम का जीवन का प्रभाव। आप तो भगवान की कथा करते हैं, आपसे हम कैसे लेंगे, आप तो देने योग्य है। दूसरी एक घटना, हमारे कुछ साधु लोग, मैं पोरबंदर में था उस समय, सोमनाथ जा रहे थे, उधर खाने को ठीक से मिलता नहीं है तो रास्ते के भोजन के लिए फूड पैकेट हम लोग दे देते हैं, नारियल का बहुत बगीचा है वहाँ, तो हमारे स्वामी जी थे, गाड़ी को नारियल के बगीचा में रखा और बोले यहीं खा लेते हैं खड़ा होके। खाने लगे तो दो चार छोटे छोटे बच्चे आ गए देखने के लिए, तो साथ में जो था केला वेला था, बच्चे के केला बांट दिए, बच्चे भी खा लिए प्रेम से,
चले गए। थोड़ा देर बाद बच्चे पेड़ में चढ़ के नारियल तोड़ के लाए, तो ले बोले लीजिए स्वामी जी, अब नारियल पानी पीजिए। स्वामी जी बने नहीं, रहने दे। बच्चे थोड़ा जिद कर रहे हैं और स्वामी जी मना कर रहे हैं। बच्चों को बड़ा नाराजगी हुई। उसने कहता क्या है, देखिए स्वामी जी, आपने दिया हमने ले लिया और हम दे रहे हैं आप नहीं ले रहे हैं, ये क्या बात है। कितनी सरलता और कितनी आत्मीयता, यह है हमारी संस्कृति जो देखने को मिलते हैं। तीसरी घटना, वैसे हम लोग अपने यहां कुछ भी बोले पर भारतीय संस्कृति का पूरा विश्व में डंका है। ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं, जब विदेश जाते हैं तब समझते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है। एक विदेशी आया ऐसे सुन के, बचपना था, यंग एज में जैसे होता है, बोले ये भारत के कल्चर को देखने का है तो गांव में जाके देखो। वो गया गांव में, सब मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, ये कपोल कल्पित कहानी नहीं है कि संस्कृति का प्रभाव हमारा कितना ऊंचा है। तो गए तो एक बच्चा रामायण पढ़ रहा है और जो उसके पिताजी है वो सुन रहा है। बच्चा का उम्र अच्छा हो गया था और पिताजी जैसे वृद्धावस्था में पहले गांव में सुनते देखते, वृद्ध लोग चार लोग बैठे रामायण पढ़ रहे हैं, आजकल तो देखने को सब मिलता नहीं है। देख के बड़ा प्रभावित हुआ, चारों ओर घूमा, कुछ दिन के बाद अपने विदेश चले गए। फिर बहुत लंबे समय बाद फिर उसके मन में जगी, हम देखते हैं भारतीय जो संस्कृति है उसमें कितना परिवर्तन आया है। फिर वही गांव में देखा, फिर वही घटना देखा, एक बच्चा रामायण पढ़ रहा है और उसका बुजुर्ग बैठ के सुन रहा है, सिर पकड़ लिया, ये क्या बात है। उसके मन में रहा नहीं गया, पूछता है, अच्छा भाई मैं इतने साल पहले आया था, यही दृश्य देखा था, आज भी वही दृश्य हूँ देख रहा हूँ, क्या बात है। उन्हें कहा साहब वही दृश्य नहीं है, पहले जो मैं पढ़ रहा था आज सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था जिसको सुना रहा था वो ऊपर चले गए और आज मैं सुन रहा हूँ ये मेरा पुत्र है। उस समय जो सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा था, उसका सुनने वाले का पुत्र मैं हूँ। तीन पीढ़ी से हमारी संस्कृति चल रही है, हमारी संस्कृति है। पहले लोग लुटा देते थे दूसरों को दान करने के लिए, विश्वामित्र को स्वप्न में देखा था खाली मैंने दान किया करके, हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा था विश्वामित्र को, मैंने पूरा साम्राज्य वो दान कर दिया, बोल सकते थे तो स्वप्न है ऐसा नहीं है करके। विश्वामित्र को उन्होंने पूरी संपत्ति राज्य पूरा दान कर दिया, मैंने लुटा दिए, इसीलिए अभी भी हम लोग बात करते हैं, अरे हरिश्चंद्र एक ही हुआ दूसरा नहीं हुआ। पहले लोग लुटा के बड़े होते थे, आजकल अंतर यही हुआ है कि लूट के बड़े हो रहे हैं। ये पाश्चात्य सभ्यता है, भारतीय सभ्यता नहीं है। जो लूट के हो जाए बड़ा आदमी उसको सम्मान मिलता है, हमारी ये नहीं है। अरे हम तो समझते हैं पूरी जो विश्व है वो अपना है, वसुधैव कुटुंबकम, ये खाली बोलने की बात नहीं है। अपन पढ़ते हैं अहमेव परो वेत्ति, ये मैं ये मेरा, ये वह है और उसका है, उसका है। ये कौन कहता है, अहमेव परो वेत्ति गणना लघु चेत साम, इसकी गणना कौन भाई, तो सामान्य विचार वाले, छोटे दिल वाले, छोटे मन वाले कहते यह मेरा है और यह तेरा है। पर हमारी संस्कृति क्या कहते हैं, उदार चरिता नाम, उदार है हमारा जो संस्कृति है वो, संकुचित नहीं है। भारतीय जो संस्कृति है, भगवान राम के जीवन में देखे किसको उन्होंने गले नहीं लगाया, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, क्या गुण उसमें नहीं था।
तो हमारा जो संस्कृति है उदार चरिता नाम, उदार जगत में दूसरा कोई है नहीं, सब अपने ही हैं, ऐसी हमारी संस्कृति पूर्वजों से हमने सुनी है। पर ये कौन कहता है उदार चरिता नाम वसुधैव, जो पृथ्वी है ये हमारी परिवार है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बड़ी ही सहजता से रामचरित को हम सबके समक्ष जीवांत करने के लिए। कार्यक्रम अब अंतिम चरण में है। मैं कुछ सूचनाएं हैं और धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य श्री एच डी प्रसाद सर को आमंत्रित करती हूं। श्री एच डी प्रसाद सर, रामनवमी के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष महोदय श्रीमद् स्वामी अभियात्मानंद जी महाराज जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित किया। इतने अच्छे विचार से हम लोग आपके नहीं आने से वंचित रह जाते। मैं आपको प्रणाम करता हूं, विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वक्ता श्रीमद् स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं, विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने भी हमारे निवेदन को स्वीकार किया, यहां आया और भगवान राम के विभिन्न पक्षों से हम सभी को अवगत कराया। निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन सफल होगा। अन्य वक्ता मैं हैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के समय में समय निकालना बहुत कठिन है, उन्होंने इतने दूर से आए और समय निकाले, मैं समझता हूं उनका जो यह हम लोगों के लिए जो कृत्य है बहुत ही प्रशंसनीय है। हृदय से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे और अपने विचारों से अवगत कराते रहेंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी विद्यालय के सचिव हैं, बीएड कॉलेज और मानव प्रकर संस्थान के निदेशक हैं, वह इस संस्था के प्रमुख हैं। उन्होंने यह सुंदर आयोजन उनके निर्देशन में विद्यालय ने आयोजित किया है, उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके प्रयास से यह सुंदर कार्यक्रम का लाभ सभी को मिला है। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं अन्य कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग किया और विशेष रूप से छात्रों को भी। बहुत ही इनका उम्र अभी वैसा नहीं है हम लोगों जैसा, लेकिन इन्होंने जो अनुशासन का यहाँ पर परिचय दिया है वो हम लोगों से टक्कर कर रहा है, बड़े लोगों से, तो उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आप लोग बहुत सफल बनेंगे, बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सूचनाएँ हैं इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद विद्यालय के छात्र मेस में जाएंगे, वहाँ पर उनकी नाश्ता की व्यवस्था है। से सभी श्रोताओं और बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि उनके लिए बीएड कॉलेज में चाय की व्यवस्था की गई है, आप सभी लोग उसे चाय ग्रहण करके जाएंगे। सभी को धन्यवाद। और अंत में कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।